एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। ज्योतिष सलाह में आज बात कर रहे हैं कि कौन सी दशाएं आपको विदेश में ले जाने के योग बना देते हैं। तो सबसे पहले तो आपके कुंडली में चंद्रमा का बलवान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन का कारक है जो विदेश को ले जाने की कोशिश करता है। इसके बाद में जो आपका लग्न है या लगने से यह निर्बल होना चाहिए, और चतुर्थ भाव जो होता है कुंडली में उस पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, राहु केतु शनि मंगल का अगर प्रभाव आ रहा है वहाँ पे तो ये विच्छेद करवाते हैं। तो अगर कोई ये ग्रह वहाँ पे दृष्टि डालते हैं, बैठते हैं तो ये आपको अलगाव होने के कारण जन्मभूमि से दूर करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आपको ये देखना है कि चतुर्थ भाव और चतुर्थ इससे निर्बल हो जाए होना चाहिए, कमज़ोर होना चाहिए। तो जब भी दशा आपकी नवम भाव के जो भाग्य भाव है उसकी चले, क्योंकि ये विदेश यात्रा का ग्रह है तो ये विदेश यात्रा करवाएगा। फिर जो बारहवा भाव विदेश का भाव कहलाता है, तो इसकी जब बारहवें भाव के स्वामी की जब दशा चलती है तब भी ये विदेश में आपको जाने के योग बना देगा। इसके बाद में चंद्र ग्रह की दशा चलेगी तो भी ये विदेश ले जाएगा, केतु की दशा चलती है तब भी ये विदेश ले जाता है, राहु की दशा चलती है तब भी ये विदेश ले जाता है। तो विदेश जब जाने के योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं और ये दशाएं आ रही हैं तो आप जरूर विदेश जाएंगे। साथ साथ में अगर आपकी शनि की ढैया या पनौती चलती है तब भी विदेश जाने के योग बन जाते हैं। तो ये हमने एक सरल सा तरीका है जो बताने का कोशिश किया कि आपके कुंडली में इस तरह के योग बन रहे हैं जिसमें चतुर्थ भाव का जैसे हमने पाप ग्रहों के प्रभाव में होता है तो आदमी जन्म स्थान से दूर जाने की कोशिश करता है, और जो ग्रहों की दशाएं बताई हमने वो दशाएं अगर आपकी कुंडली में बन रही है तो आप जरूर विदेश जाएंगे। तो ये संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयत्न किया। ये अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड पे उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठा सकते हैं। हमने हमारी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।